हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी सिंपल मटन करी। आप इस तरह से मटन करी एक बार जरूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको इसका टेस्ट पसंद आएगा और इसे बनाना भी बहुत आसान है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मटन को मैरिनेट करेंगे। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम मटन लिया है। अब इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज डाल दें। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच मटन मसाला, मटन मसाला आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच सरसों का तेल जिसे मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया था, 2 चम्मच दही, नमक स्वाद अनुसार डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। दही ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे 1 मीडियम साइज के टमाटर यूज कर सकते हैं। अब इसे 5 मिनट रेस्ट पे रखें। 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है, अब मटन बनाना हम स्टार्ट करते हैं। एक कुकर को अच्छी तरह से गर्म करें। अब इसमें लगभग 4 से 5 चम्मच तेल डाल दें। तेल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तेल को गर्म होने दें। अब इसमें 1 दालचीनी, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची डाल दें और तेज पत्ता, और इसका फ्लेम लो कर दें और लो फ्लेम में इसे कुछ सेकेंड के लिए पकने दें। ध्यान रखें मटन डालने के वक्त इसका फ्लेम लो रखें, क्योंकि हमने मटन में दही यूज किया है। मटन को लो फ्लेम में 5 मिनट तक पकने दें, ताकि दही हमारा अच्छी तरह से पक जाए। बीच बीच में आप इसे मिलाते रहें, नहीं तो नीचे से मसाला जल सकता है। 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है, अब इसका फ्लेम मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम में मटन को तब तक फ्राई करें जब तक उससे तेल अलग नहीं हो जाता। लगभग 5 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद आप देख सकते हो मटन से तेल अलग होने लग गया है, मतलब मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 कप यानी कि 150 ml पानी लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिला ले। 1/4 चम्मच गर्म मसाला इसमें डाल दे और इसे एक बार और मिला ले। अब इसका लिड बंद करें और इसे मीडियम फ्लेम में 4 सीटी आने तक पकने दें। 4 सीटी आ चुका है, अब इसका फ्लेम लो कर दें। लो फ्लेम में इसे 2 मिनट तक पकने दें। 2 मिनट कंप्लीट हो चुका है, इसका फ्लेम बंद कर दें। कुकर का सारा प्रेशर निकल जाए तभी इसे आप खोलें। आप देख सकते हो मटन करी बनकर रेडी है। एक बार इसे हम मिला लेते हैं और मटन भी हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दे और इसे मिला दे। सिंपल इजी मटन करी बनकर रेडी है। आप इसे रोटी या राइस के साथ सर्व करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।